हम लोग क्या, आपने देखो 10th क्लास में पढ़ा है कि जिंक मेटल के अंदर अगर आप एसिड को ऐड करते हैं तो एसिड जिंक के साथ रिएक्शन करके और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो यहाँ मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक मेटल लिया, आप कोई दूसरा रिएक्टिव मेटल भी ले सकते हो जैसे सोडियम मेटल भी ले सकते हो और फिर इसकी रिएक्शन कराओगे आप एसिड से तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल जिंक डस्ट ली है, ठीक है, तो ये भी अच्छी तरह रिएक्शन कर सकती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे हम एक होल्डर से पकड़ लेते हैं और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। एक बार डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जस्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया और इसमें कुछ ड्रॉप में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर गैस इवॉल्व हो रही है रैपिडली। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इस गैस को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिंक से रिएक्शन करके गैस इवॉल्व कर रहा है, तो यहां पर मैं एक गैस पासर फिक्स कर देता हूं ताकि गैस यहां से जो निकले हम यहां पर इसको ऑब्टेन कर सकें। अब हमें ये चेक करना है कि जो इससे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो रियली में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। हमें पता है हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इनफ्लेमेबल है। अगर इससे इनफ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस हो रही है तो यहां पर अगर मैं मैच स्टिक को लगाऊंगा तो वो जलनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको चेक करके देखते हैं हम लोग। गैस की इंटेंसिटी थोड़ी कम है, तो चली। पॉज कर एक बार कि पॉप साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको पॉप साउंड सुना होगा, ठीक है। थोड़ी देर में गैस ही वो इकट्ठी होती है ना, उसके बाद हमें पॉप साउंड सुनाई देता है। सर इसका टेम्परेचर भी होता है, इसका बिल्कुल गैस तक नहीं, ठीक है। आपको पॉप साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये आपका साफ दिख रहा है आपको इसमें, यस। तो हमने रिएक्शन किसकी करा रखी है, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक, और सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक से रिएक्शन करके और यहाँ हाइड्रोजन गैस। अब देखो आपको अगर नोटिस करो आप तो यहाँ देखो ये बर्न हो रहा है, दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस सर, हाँ सर, दिखा आपको, क्लोज देखो, ये देखो आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये इनफ्लेमेबल है हाइड्रोजन गैस, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही है वो वास्तव में हाइड्रोजन है ना। एक बार और मैं वापस चेक करके दिखा देता हूँ आपको, देखो ये, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ओके डन।